लेथ मशीन में कैलकुलेटेड फीड कैसे प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड। आप ये जो हैंडविल देख रहे हैं इससे लॉन्गिट्यूडनल फीड प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर 100 डिवीजन सेट होते हैं। ये बेसिकली कैरेज को बेड के अलॉन्ग मूव कराने के लिए है। इसमें हर 4 डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सारे डिवीजन मतलब एक पूरा रोटेशन हो जाएगा तो 25 mm कैरेज आगे मूव करेगा, आगे या पीछे डिपेंड करता है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। अभी आप इसमें डिवीजन देख सकते हैं, जैसे ये 50 है, 60 है, 670 है, ये 80 है और ये 90 है और ये 100 है। तो इस तरह से 100 डिवीजन है। तो यहाँ से फिर आप कैलकुलेटेड फीड प्रोवाइड करते हैं, ये कैरेज को पूरे को आगे पीछे कराने के लिए है। आप देख सकते हैं अभी टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है तो इसमें ये हैंडविल ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। ये गाइडवेज होते हैं, गाइडवेज के ऊपर आपका ये कैरेज ऊपर नीचे मूव करता है। ये गाइडवेज वी टाइप के गाइडवेज बने हुए हैं और कूलेंट भी सप्लाई करना पड़ता है जिससे हीट डिसिपेट हो सके और सर्विस फिनिश अच्छा मिल सके। इसको आप देख सकते हो सेंटर बीच में माउंट किया हुआ है, एक हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में भी सेंटर लगा हुआ है। ये आपका क्रॉस फीड क्रॉस स्लाइड को मूवमेंट करने का हैंड व्हील है और ये ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों में मूव कर सकता है। इस पर भी 100 डिवीजन होते हैं और इसका हर 10 डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसका पूरा एक रोटेशन क्रॉस स्लाइड को 10 mm आगे या पीछे मूव कराता है। ये भी देख सकते हैं आप क्रॉस स्लाइड को मूव होते हुए, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से आप देखिए फिर इसमें 90-70 ये मैं उल्टा मूव करा रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के 100 डिवीजन है। तो यहीं से आप कैलकुलेटेड फीड प्रोवाइड करते हैं। डेप्थ ऑफ कट होता है जनरली वो क्रॉस फीड से प्रोवाइड।